हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्लू हेवन का एक और फाउंडेशन। इससे पहले भी मैंने ब्लू हेवन का एक और फाउंडेशन का रिव्यू किया है, आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो आज मेरे पास है ब्लू हेवन वाटरप्रूफ मेकअप फाउंडेशन विथ SPF। पैकेजिंग आप देख सकते हैं इसकी, बहुत ही ब्यूटीफुल है और प्राइस है इसकी 75 रुपीज़। आप देख सकते हैं और मेरा शेड है ब्लश। इसमें आपको टोटल 2 शेड्स मिल जाएगी। 3 साल की मिलती है हमें इसकी शेल्फ लाइफ और इस पे लिखा है इजी स्प्रेडिंग, इम्प्रूव नेचुरल स्किन टेक्सचर, वाटर रेजिस्टेंट है ये, नॉन ऑयली, एनरिच्ड विथ एलोवेरा कंट्रोल सीबम टू गिव योर फेशियल स्किन अ फ्लॉलेस मैट फिनिश ऑल डे लॉन्ग। और 50 ml की प्रोडक्ट क्वान्टिटी है और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह भी मेंशन किए गए हैं। इसमें पैराबेन्स डाले गए हैं, तो अगर आप पैराबिन वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करते हो तो आप बिल्कुल भी इसे यूज़ ना करें। पैकेजिंग मुझे इसकी काफ़ी पसंद आई और ये ना थोड़ा सा पतला है फाउंडेशन, जिसकी वजह से आप जब भी इसको इस्तेमाल करें तो अच्छे से शेक कर लें, उसके बाद ही आप इसे यूज़ करें, वरना ऐसा वाटर वाटर जैसा आने लग जाता है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है इसका टेक्सचर। इस तरह के जो ट्यूब्स होते हैं ना, वो ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, लीक होने का या फिर जो ग्लास बॉटल की तरह टूटने फूटने का झंझट नहीं होता। तो पैकेजिंग वाइज मुझे काफ़ी पसंद आया। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है ये। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से ब्लेंड तो हो जाता है ये, पर मेरी स्किन से इसका जो शेड है वो इतना मैच नहीं हो रहा। और इसमें ना 2 ही शेड अवेलेबल है और ये जो शेड है इसका, ये ही सबसे ज़्यादा लाइट शेड है, तो मुझे थोड़ा सा डार्क लगा मेरी स्किन के हिसाब से। थोड़ा सा ना, मतलब आपको मैं दिखाती हूँ, पता नहीं कैमरा में दिखाई दे रहा है कि नहीं, हल्का सा मुझे पिंक की तरफ लगता है इसका जो शेड है ना, वो थोड़ा सा मुझे पिंक की तरफ ज़्यादा लगता है। तो येलो अंडरटोन वालों के लिए मुझे नहीं लगता ये मतलब काम करेगा, थोड़ा सा पिंक जैसा ही लगता है मुझे ये फाउंडेशन। इससे पहले मैंने इसका एक और फाउंडेशन लिया था तो वो मेरा शेड ही रॉन्ग आ गया था वैसे तो, पर वो भी ऐसा ही था, मतलब येलो अंडरटोन के लिए मुझे नहीं लगता कि ब्लू हेवन के फाउंडेशन काम करते हैं। तो बात कर लेते हैं इसके कवरेज की। तो ये लो टू मीडियम कवरेज देता है, ये फुल कवरेज फाउंडेशन नहीं है। जिस तरह से ये क्लेम करता है कि ये ईजी स्प्रेड हो जाता है, तो हाँ ये सच में बहुत अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाता है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो काफ़ी लिक्विडी है, तो अच्छे से स्प्रेड हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वाटर रेजिस्टेंट है, तो हाँ ये वाटर रेजिस्टेंट भी है, नॉन ऑयली भी है ये। ये चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं लगता, बिल्कुल मैट है, ये बात मुझे इसकी बहुत ही अच्छी लगी। अगर आप इसे ज्यादा बिल्डअप करोगे तो आपकी स्किन पर ये पैची लग सकता है। अगर आप इसकी सिंगल लेयर अप्लाई करोगे तो फिर भी आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं, ब्लेमिशेस वगैरह है आपके फेस पर, तो वो उतनी अच्छी तरह से कवर नहीं कर पाता ये फाउंडेशन। तो ठीक ठाक फाउंडेशन लगा मुझे। अगर आपका शेड जाता है, अगर आप येलो अंडरटोन नहीं हो, अगर आप पिंक अंडरटोन हो तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप कोई अफोर्डेबल रेंज में चाहते हो तो आप ट्राई कर सकते हो इसे। लॉन्ग लास्टिंग इतना नहीं है ये, 2 से 3 घंटे तक रहता है ये, ज़्यादा बहुत हो गया तो। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है तो फिर ये आपका निकलना शुरू हो जाएगा। और वैसे भी इतने कम प्राइस में आपको और क्या मिलेगा। शेड रेंज इसमें ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 ही शेड अवेलेबल है। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, लोकल स्टोर्स में भी आराम से अवेलेबल है। तो अगर आप बिगिनर्स हो तो आप ट्राई कर सकते हो इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये पैराबिन फ्री नहीं है, इसमें पैराबिन इस्तेमाल किए गए हैं। इसकी बस मुझे एक ही बात बहुत अच्छी लगती है कि चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल मैट में कन्वर्ट हो जाता है कुछ टाइम के बाद, तो उस हिसाब से भी ये अच्छा है। इतने प्राइस पर आपको और क्या मिलेगा, तो आप चाहो तो बिल्कुल इसे ट्राई कर सकते हो। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ऑफलाइन अगर इसे लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन फाउंडेशन चूज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अगर आपका शेड रॉन्ग आ गया तो आप तो इसे इस्तेमाल भी नहीं कर पाओगे। अगर आप कोई सस्ता फाउंडेशन ले रहे हो तो चलेगा, पर महंगे फाउंडेशन तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप खुद जाकर ही खरीदें, ऑनलाइन ना परचेज करें, क्योंकि वहां पर आपको काफ़ी सारी शेड रेंज भी देखने मिल जाती है और दिखाई देता है कि हमारी स्किन पर वो कैसा लग रहा है। और इस फाउंडेशन की फ्रेग्रेंस भी थोड़ी सी स्ट्रांग है। इस फाउंडेशन की प्लस पॉइंट की बात करें तो कुछ हद तक ये वाटरप्रूफ भी है, जैसे कि इस पर लिखा हुआ है कि SPF के साथ आता है, पर इस पर ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि हमें इसमें कितना SPF मिलता है। अगर होता तो और भी अच्छा होता,
बाकी ठीक ठाक प्रोडक्ट है, पैकेजिंग भी अच्छी है इसकी, तो ओवरऑल ओके ओके फाउंडेशन लगा मुझे ये। अगर इसमें और शेड रेंज होती तो और भी ज़्यादा अच्छा होता, तो आप चाहो तो इसे ट्राई कर सकते हो, इतने प्राइस में आपको और क्या मिलेगा, आप इससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। मैंने और भी काफ़ी सारे फाउंडेशन के रिव्यू किए हैं, आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, अगर आप और भी किसी प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताइए, मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी उस प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करूंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।